हेलो एवरीवन, व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि मैंने नायका से क्या क्या खरीदा है। नायका की होली सेल आने वाली है, वैलेंटाइंस डे सेल आने वाली है वेरी सून, और काफ़ी ज़्यादा सेल आने वाली है। तो अगर आपको प्रोडक्ट रिकमेंडेशन चाहिए देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन होगा। बिफोर स्टार्टिंग मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन यार, 5,000 सब्सक्राइबर करा दो, इतना क्यों टाइम लग रहा है। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखते हैं कि मैंने क्या क्या खर्चा है। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे छोटे बॉक्सेस, इसमें ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं होंगे। ओ इसमें हाइलोरॉनिक, ओ आई थॉट इसमें हाइलोरॉनिक एसिड सीरम है। इसमें है लोरियल रिवाइटल लिफ्ट का हाइलोरॉनिक विथ कैफीन आई सीरम। इसके मैंने दो आई सीरम ऑर्डर करे हैं। इस बॉक्स में एक आया है, अलग बॉक्स में एक और आया होगा। तो इसके दो वेरियंट आते हैं, एक आता है ग्लाइकोलिक वाला, एक आता है ये पर्पल वाला विच हैज़ हाइलोरॉनिक एंड कैफीन इन इट। तो ये वाला मैंने ऑर्डर करा है मॉम डैड के लिए, बिकॉज इसको काम जो करना चाहिए वो लिखा हुआ था कि ये रिंकल्स में काम करेगा। दिस इज़ अ रियली ग्रेट प्रोडक्ट इफ़ यू वॉन्ट जस्ट सम हाइड्रेशन एंड इफ़ यू वॉन्ट टू ट्रीट योर रिंकल्स एंड फाइन लाइन्स, तो उसके लिए ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। तो ये मैंने मॉम डैड के लिए ऑर्डर करा है। ग्लाइकोलिक वाला वो आपके डार्क सर्कल्स में काम करेगा, तो मैंने ग्लाइकोलिक वाला अपने लिए ऑर्डर करा है। बहुत डार्क सर्कल्स हो रखे हैं। उसके बाद इसमें है शीट मास्क, ऑल आर फ्रॉम नायका। यस, ऑल आर फ्रॉम नायका। तो नायका के मेरे को शीट मास्क काफ़ी पसंद आ रहे हैं। इनके फेस शॉप की शीट मास्क और नायका, उसके बाद आपका टोली मोली मेरे को ब्रांड का नाम ही नहीं याद आ रहा, और उससे बढ़िया शीट मास्क बट थोड़े एक्सपेंसिव आते हैं आर फ्रॉम क्लेयर्स। क्लेयर्स के शीट मास्क अमेजिंग, बट वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। आई थिंक वन शीट मास्क इज़ फॉर 280 रुपीज़, तो एक बार के लिए काफ़ी महंगा हो जाता है, और उसमें सेल भी कम लगती है। इसमें इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग बाय 5 get 5 चली थी या बाय 3 get 3 चली थी, और इसमें से मैंने कुछ वेरिएंट यूज़ करे हुए हैं, जैसे कि ये है सैफ्रन और केसर और हनी वाला। इसका एक हल्दी वाला भी आता है, यस ये वाला बेसन प्लस ट्यूरमरिक, बेसन प्लस हल्दी वाला, ये वाला वेरिएंट भी बहुत अच्छा है। उसके बाद एक ये वेरिएंट मैंने अब इस बार ट्राई करूँगी, मैंने ये वाला वेरिएंट नहीं ट्राई करा। दिस इज़ दी राइस प्लस कैमिलिया फॉर नरिश्ड प्लस रेडिएंट स्किन। उसके बाद एक और वेरिएंट मैंने मंगाया है, डैट इज़ दी लेमन प्लस हनी फॉर ग्लोइंग एंड क्लियर स्किन। मैंने ये भी नहीं यूज़ किया है, तो मैं ये यूज़ करके आपको बताऊँगी कि सारे शीट मास्क कैसे हैं। ओ मैंने एक ये भी मंगाया है, दिस इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग, दिस इज़ दी रोज़ प्लस गोट मिल्क फॉर नरिश प्लस रेडियंट स्किन। आई डोंट रिमेंबर मैंने यूज़ करा कि नहीं करा, बट इट लुक्स वेरी नाइस। ओके, तो मैं आपको ये यूज़ करके बताऊँगी कैसे हैं। बट अगर आपको शीट मास्क लेने हैं इधर चेक दी, अगर अफोर्डेबल लेने हैं तो नायका और फेस शॉप, अगर थोड़ा स्प्लर्ज करना है एक्सपेंसिव लेने हैं देन गो फॉर दी क्लेयर्स पिक्सी, आप इन सब के शीट मास्क भी चेक कर सकते हो। इनिसफ्री के शीट मास्क भी अच्छे हैं। ओके लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट बॉक्स। मूविंग टू द नेक्स्ट बॉक्स, इसमें देखते हैं क्या है। तो ओह मैंने बिल्कुल ही नहीं खोला ये वाला बॉक्स। तो इस बॉक्स में है, ओह मैंने खोल के देखा है, दिस हैज़ दी मेबलिन का लिप ग्लॉस, दिस वन इज़ इन दी शेड 003 मून। ये मेरा रीस्टॉक है इसका, मून और टोपाज शेड है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दोनों मेरे फेवरेट हैं। तो मून वाला शेड जल्दी ख़त्म हो गया था, तो दिस वन इज़ अ रीस्टॉक। काफ़ी बढ़िया वो है, लिप ग्लॉस है। देन आई गॉट दी दिस वन, ये मैंने ख़रीदा नहीं है, ये मेरे को फ्री मिला है। दिस इज़ दी मेबलिन हाइपर कर्ल वाटर प्रूफ मस्कारा। कितना छोटू ही, मैंने पहली बार इतना छोटू सा मस्कारा देखा है फ्रॉम मेबलिन, वेरी गुड फॉर बॉटम लैशेज। उसके बाद मैंने एक मस्कारा भी ऑर्डर करा है फ्रॉम मेबलिन। आपने मेबलिन स्काई हाई मस्कारा तो यूज़ करा ही होगा, आई डोंट हैव टू से कि वो कितना ब्रिलियंट मस्कारा है। उसी का एक नया वेरियंट लॉन्च करा है उन लोगों ने, दैट इज़ दी मेबलिन स्काई हाई मस्कारा इन दी वेरियंट वेरी ब्लैक। तो दिस वन इज़ सपोज टू बी वाटर प्रूफ, गिव्स यू लिमिटलेस लेंथ फुल वॉल्यूम। इसका पैकेजिंग बहुत ज़्यादा बढ़िया है, आई एम एक्साइटेड टू ट्राई दिस। इसको मैं आप लोग के साथ ही अगली वीडियो में ट्राई करूँगी। बट देन नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, विच इज़ अगेन फ्रॉम लोरियल, एंड दिस इज़ दी लोरियल रिवाइटल लिफ्ट हाइलोरॉनिक एसिड सीरम। ऑलरेडी मैं यूज़ कर रही हूँ ये, ऑलरेडी 2-3 बॉटल यूज़ कर चुकी हूँ, और ये ऐसा प्रोडक्ट है जो यूज़ करना बंद नहीं कर पा रही हूँ मैं। और मेरे को हाइलोरॉनिक एसिड सीरम में जब भी मेरे को ख़रीदना होता है मैं हमेशा लोरियल का ख़रीद लेती हूँ, बिकॉज मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। मैंने ऑर्डिनरी का भी ट्राई करा हुआ है, मैंने आपका मिनिमलिस्ट का भी ट्राई करा हुआ है, बट मुझे इसका बहुत बढ़िया लगा है। खुल नहीं रहा है वो, बात अलग है।
दिस इज द लोरियल रिवाइटालिफ्ट हाइलुरोनिक एसिड सीरम. बहुत बढ़िया हाइलुरोनिक एसिड. अगर आपको हाइलुरोनिक एसिड ट्राई करना है ना एक बार, तो लोरियल का ट्राई करना. मेरे को ये 30% ऑफ पे मिला था. एक बार ज़रा मैं यूज़ बिफोर देख लूँ, क्योंकि मैंने कोई प्रोडक्ट्स खोल के भी नहीं देखे, क्या पता एक्सपायर ही आ गया हो या कुछ. बट एक बात तो है नायका की यार, मेरे को कभी भी, सच्ची बोल रही हूँ, पता नहीं लोगों के साथ फ्रॉड हुआ या नहीं हुआ, खाली प्रोडक्ट आया है या ऐसा कुछ, मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ कि खाली प्रोडक्ट आ गया है या यूज़ प्रोडक्ट आ गया है. ओके, दिस इज द एम कैफीन कॉफी हाइड्रोजेल अंडर आई पैचेस हाइड्रेशन बूस्ट मॉइस्चर लॉक टेक्निक. इतने टेक्निकल टर्म्स घुसेर देते हैं ना ये लोग. बेसिकली ये आई पैच है आंखों के नीचे लगाने के लिए. आपने काफ़ी सेलिब्रिटीज़ को लगाते हुए देखा होगा, बट ये उतना बूजी लुकिंग नहीं है जितना बूजी लुकिंग वो लगाते हैं. गोल्डन कलर, ग्रीन कलर, ये थोड़ा कॉफ़ी कलर का है, मतलब डार्क ब्राउन कलर का है. बट इसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे. एंड वन थिंग डैट आई नो डेफिनेटली कि कॉफ़ी डार्क सर्कल्स में 110% हेल्प करती है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट बॉक्स. ये वाला देख सकते हो आप, नायका का नहीं है ये, केमिस्ट प्ले के मैंने कुछ प्रोडक्ट्स मंगाए हैं जो मैं बॉडी केयर में रेगुलर यूज़ करती हूँ. दिस इज़ द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट आई हैव गॉट फ्रॉम केमिस्ट प्ले. ये मैं ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ, इसका बॉडी लोशन, AHA बॉडी लोशन काफ़ी अच्छा है. बट एक बात बोलूँगी, जो इस बॉडी लोशन में कहा गया है कि स्ट्रॉबेरी लेग्स कम होंगे, आई डोंट फील लाइक अगर आप एक बॉटल लगाओगे तो, मेरे को इतना डिफरेंस देखने को नहीं मिला है बॉडी लोशन में. बट एज अ बॉडी लोशन ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है. इसमें आपका नाइसिनामाइड शी बटर है. नाइसिनामाइड हैज़ टू वर्क फॉर दी स्ट्रॉबेरी लेग्स, इसलिए डाला गया है. इसके बाद मैंने केमिस्ट्रे से ऑर्डर करा है उनका रोल ऑन. ये भी मैं यूज़ कर रही हूँ. ये मेरे को बड़ा पसंद है ये. इसका मैं आपको बताती हूँ, मैंने रोल ऑन 3 यूज़ करे हैं लाइफ में. एक केमिस्ट प्ले, एक बॉडी वाइज का ब्लू कैप वाला बॉडी वाइज वाला, उसके बाद तीसरा आपका नॉर्मल निविया का. मेरे को सबसे बढ़िया ये लगा है, सबसे बढ़िया. और इसमें आपका, आई थिंक मैंने फ्रेगरेंस वाला मंगा लिया धोखे से, एक्वा वाला. इसमें आपकी 3 फ्रेगरेंस आती हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और आपका एक आता है कि जिसमें बिल्कुल भी फ्रेगरेंस नहीं होगी. इसमें भी आपका 5% AHA है, डैट मीन्स इट विल वर्क ऑन योर अंडर आर्म डार्कनेस एज वेल. देन थर्ड प्रोडक्ट है केमिस्ट प्ले का डेली एक्सफोलिएटिंग बॉडी वॉश. दिस हैज़ 4% लैक्टिक एसिड, मतलब इसमें भी AHA है, प्लस सैलिसिलिक एसिड, प्लस विटामिन ई. मैंने ये वाला प्रोडक्ट नहीं यूज़ करा है तो मैं इसका रिव्यू नहीं दे सकती. बट जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे स्ट्रॉबेरी लेग्स है, तो को काफी लोगों ने रिकमेंड करा कि आप जो केमिस्ट प्ले का बॉडी लोशन यूज कर रहे हो उसके साथ अगर आप बॉडी वॉश भी उसका यूज करोगे तो आपको काफी जल्दी और काफी सही रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे. तो मैं इसका कॉम्बो यूज करके आपको बताऊंगी. इसके बाद मैंने मंगाया है कार्मेसी का फेशियल रेजर. फेशियल रेजर मैं पहले यूज करती थी बॉम्बे के, मेरे को उससे बहुत बहुत बेटर लगे हैं ये कार्मेसी के. उससे ज्यादा जेंटल है, शार्प भले ही शायद इसकी हो आपकी ब्लेड, बट काफी जेंटली मतलब हटाती है. और कट्स मेरे आज तक इससे नहीं लगे, कभी खून निकल आया. और बॉम्बे रेजर से मेरे बहुत बार ऐसा हुआ है कि कट लग गया, खून निकल आया. इस रेजर से मेरा कभी ऐसा नहीं हुआ. काफ़ी बढ़िया रेजर्स हैं. अगर आपको फेशियल रेजर्स ट्राई करने हैं एक बार, तो डू ट्राई कार्मेसी फेशियल रेजर फॉर वंस. देन अब नेक्स्ट वी हैव खाली लिफाफा. उसके बाद है मेरे पास सेटाफिल का फेस वॉश. मैंने ना इसके छोटे छोटे पैक मंगाना स्टार्ट कर दिए, और उसको मैं बड़ी, मेरे पास एक बॉटल पड़ी हुई है सेटाफिल की, उससे मैं ट्रांसफ़र करती रहती हूँ. जैसे डेटॉल को आप नहीं पैक रीपैक करते रहते, वो क्या कहते हैं, रीपैक, मतलब रीफिल करते रहते हो. तो मैंने उसके लिए रीफिल बॉटल मंगाई है, एक ये सेटाफिल का जेंटल स्किन क्लेंजर. उसके बाद अप नेक्स्ट वी हैव वी हैव के ब्यूटी का लिप ऑयल. अगेन अ रीस्टॉक लिप ऑयल. आपका के ब्यूटी का बेस्ट है अभी तक का. मुझे के ब्यूटी का लिप ऑयल बेस्ट लगा है. एक तो इसका फ्रेग्रेंस इज वेरी नाइस, प्लस जो इसका एकदम ऐसा लगता है आपने ग्लॉसी लगा लिया है. अगर आपको लिप ऑयल लेना है और अगर आपका बजट है, डू नॉट इवन थिंक ट्वाइस. काफ़ी काफ़ी बढ़िया लिप ऑयल है, काफ़ी लग्जरी पैकेजिंग एज वेल. तो के ब्यूटी के लिप प्रोडक्ट्स और के ब्यूटी आई थिंक एज अ ब्रांड, उनके सारे प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट प्रोडक्ट इज द लोरियल प्रोफेशनल स्कैल्प एडवांस शैम्पू. ये जिनके ना ऑयली स्कैल्प होता है और ड्राई हेयर होते हैं, मतलब नीचे के बाल ड्राई ड्राई, ऊपर का स्कैल्प ऑयली ऑयली, ऐसे लगता है कि थर्ड डे आपका हेयर वॉश का, और ऐसा लगता है कि आपको 7 दिन हो गए या हफ्ता भर हो गया हेयर वॉश करे हुए, उनके लिए ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है. मैंने इसको 2-3 बार यूज़ करा हुआ है, तो ही मैं आपको रिव्यू दे रही हूँ कि ये मेरे को अच्छा लगा है डेफिनेटली. बट पहली बात, ये एक्सपेंसिव है. सेकेंड ऑफ ऑल, आई डोंट थिंक कि 3 बार में मैं आपको इतना अच्छा रिव्यू दे पाऊंगी. तो मेरे को एक बार इस प्रोडक्ट को अच्छे से यूज़ कर लेने दो. मेरे को आप चैनल सब्सक्राइब करो, मैं आपको शॉर्ट में इसका रिव्यू दूंगी कि ये मेरे को कैसा लगा है, ठीक है.
अभी के लिए जितना तैंने 3-4 बार यूज करा है मुझे अच्छा लगा है, शायद थर्ड नहीं तो फोर्थ डे जाके, जैसे आज मेरा है आपका फोर्थ डे ही है, आज थर्ड डे है और उतना ऑयली नहीं लग रहा है. एनीवे नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट. ये भी एक रीस्टॉक है, दिस वन इज द हिमालय प्योरीफाइंग नीम फेस वॉश. उसके बाद मैंने ऑर्डर करा है फैमिली साइज शैम्पू. इसको मैं फैमिली साइज शैम्पू बोलती हूँ. बेसिकली हम लोग 4 लोग हैं घर में तो सब लोग एक ही शैम्पू यूज करते हैं जो रेगुलर वाला होता है. बाकी जिसको अपना एडवांस यूज करना और डैंड्रफ वाला शैम्पू यूज करना वो अपना अलग लेके आए. तो ये 4 लोग यूज करेंगे, तभी मैंने इतना बड़ा ऑर्डर करा है. और मैंने लोरियल के आई थिंक मैंने सारे वेरियंट कवर कर लिए हैं, आपका लोरियल हाइलर एसिड वाला, लोरियल का 6 ऑयल्स वाला, लोरियल का बेसिक वाइड और रेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसको कुछ कहते हैं वो वाला भी मैंने ट्राई कर लिया. मैंने लोरियल की काफ़ी रेंज ट्राई कर ली है बट मैंने ये स्किप कर दिया जबकि ये हाइलुरोनिक एसिड के पहले आई हुई थी. तो मैंने ये वाली रेंज नहीं ट्राई करी थी इसलिए आई वॉन्टेड टू गिव दिस अ ट्राई. इसके रिव्यूज़ काफ़ी बढ़िया थे, स्पेशली अबाउट द फ्रेग्रेंस विच आई एम रियली एक्साइटेड टू ट्राई कि इसकी फ्रेग्रेंस कैसी होगी. हर रिव्यू में था इसकी फ्रेग्रेंस बेस्ट है, इसकी फ्रेग्रेंस बेस्ट है, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है. तो मैंने कहा चलो ट्राई करेंगे. दिस वन इज़ फॉर लॉन्ग डैमेज्ड हेयर. Do I have long hair? Yes. Do I have damaged hair? Again, yes. So I think ये मेरे वालों को सूट करना चाहिए. पहले मैं ये वाला शैम्पू यूज़ करूँगी, उसके बाद फॉर माई ऑयली स्कैल्प एंड डैंड्रफी स्कैल्प आई एम गोना यूज़ दिस. तो दो शैम्पू का कॉम्बिनेशन मैं यूज़ करती हूँ. सो येस नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट बॉक्स एंड हियर वी हैव कॉटन. क्या ही बताना है इसमें, ट्यूलिप की कॉटन. उसके बाद एक बॉडी ऑयल जो रीस्टॉक है, दिस इज द प्लम बॉडी ऑयल. इसका मैंने छोटा इसलिए मंगाया है क्योंकि बड़ा वाला बड़ी मुश्किल से ख़त्म हुआ है. समर से मैं यूज़ करना बंद कर देती हूँ, सिर्फ विंटर्स में यूज़ करती हूँ. तो मैंने एक रीस्टॉक मंगाया है बट उसका छोटा वर्जन. काफ़ी अच्छी स्मेल है, काफ़ी अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, स्मेल स्पेशली एक्चुअली इसकी बहुत बढ़िया है. नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट आई ऑर्डर्ड इज द डव शार मूज. जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे स्ट्रॉबेरी लेग्स हैं और मैं उसको हटाने के लिए काफ़ी कुछ कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि अब मैं अपनी शार रूटीन में एक और स्टेप ऐड करूँगी रेजर यूज़ करने के पहले. दैट इज़ यूजिंग द डव शार मूस. एंड अप नेक्स्ट आई हैव द नायका ब्राउ ऑन पॉइंट माइक्रोफाइबर माइक्रोफाइन पेंसिल. इसमें है भी, बड़ी खाली लग रही है. मैंने कहा कहीं खाली प्रोडक्ट आ गया हो. दिस इज़ द नायका ब्राउ ऑन पॉइंट माइक्रोफाइन पेंसिल. ये भी एक रीस्टॉक है, इसकी मैं ऑलरेडी 2 पेंसिल यूज़ कर चुकी हूँ तो ये थर्ड रीपरचेज. काफ़ी बढ़िया ब्राउ पेंसिल है. मेरे को ना पतली आईब्रो पेंसिल ज़्यादा पसंद है इंस्टेड कि वो एक तो जेल वाली हो, मेरे को वो नहीं पसंद. दूसरी जो पेन वाली आती है मुझे वो भी नहीं पसंद. तीसरी आपका पाउडर प्रोडक्ट आता है मुझे वो भी कम पसंद है. ये सबसे बेस्ट लगती है मेरे को पेंसिल और वो भी माइक्रो पतली पेंसिल. ठीक है अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ. ये वाला बॉक्स हो गया खाली. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट बॉक्स जो भी नायका से मैंने नहीं खरीदा है, जो मैंने खरीदा है डॉक्टर शेट्स की वेबसाइट से क्योंकि उस वेबसाइट में सेल लगी थी बाय टू गेट टू फ्री. ये सेल भी काफ़ी बार लगती रहती है. इवन अभी जब मैं शूट कर रही हूँ ना, मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले मैसेज आया है कि डॉक्टर शेट्स की बाय टू गेट टू सेल लग चुकी है. तो मैंने डॉक्टर शेट्स की, मैं सनस्क्रीन बहुत पसंद है तो मैंने सनस्क्रीन का ही रीस्टॉक करा है. 1, 2, and 3. चौथा प्रोडक्ट क्या है मैं आपको बताती हूँ. दिस इज़ दी सेरामाइड एंड विटामिन सी सनस्क्रीन. मेरे को इनकी सनस्क्रीन बहुत पसंद है. आई विल शो यू. ये 3 तो आप बॉक्स देख ही रहे हो, प्लस मेरे पास और कितनी पड़ी है डॉक्टर शेट की सनस्क्रीन. आई लव दिस सनस्क्रीन. आई हैव यूज्ड 3 सनस्क्रीन एंड आई हैव 3 स्टॉक राइट हियर. तो इतनी मुझे ये सनस्क्रीन पसंद है. वाई नॉट अदर सनस्क्रीन्स? एक बार मैं आपको ये बता दूँ कि मेरे को डॉक्टर शेट की ही सनस्क्रीन सबसे ज़्यादा अच्छी क्यों लगती है. बिकॉज ये एक ऐसी सनस्क्रीन है जो आई फील लाइक डार्क स्पॉट्स में भी काम करती है. डार्क स्पॉट्स हो गए, आपकी रेडनेस होगी, जो रेड वाले स्कार्स होते हैं जो मेरे बड़े हैं उसमें ये बहुत अच्छे से काम करती है. तो अगर आप सनस्क्रीन ढूंढ रहे हो और ये लाइट वेट भी है, इसमें वाइट कास्ट भी नहीं है, दिस इज़ गुड फॉर नॉर्मल स्किन टाइप. मतलब हर स्किन टाइप पे जाएगी ये. इनकी एक आई थिंक ये नॉर्मल टू ड्राई के लिए ज़्यादा बेटर रहेगी क्योंकि इनकी नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए अलग सनस्क्रीन है इनके पास. बट इफ़ यू हैव नॉर्मल स्किन एंड इफ़ यू वॉन्ट टू ट्राई वन ऑफ द डॉक्टर शेट्स प्रोडक्ट, डू नॉट इवन थिंक टॉइस. दिस सनस्क्रीन इज रियली रियली गुड. बाय टू गेट टू में आपके 4 प्रोडक्ट्स होंगे. 3 मैंने सनस्क्रीन खरीदी है और 1 मैंने खरीदा है ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर. दिस इज द सेरामाइड एंड विटामिन सी ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर फ्रॉम डॉक्टर शेट. ये भी उनका एक बेस्ट सेलर प्रोडक्ट है. ये मैंने कभी यूज़ नहीं करा है बाय द वे, तो दिस विल बी माई फर्स्ट टाइम ट्राइंग
आउट दिस प्रोडक्ट, बट इसके काफ़ी अच्छे अच्छे रिव्यूज़ हैं, आप चेक कर सकते हो. काफ़ी ऐसे यूट्यूबर्स जिनको मैं बहुत ट्रस्ट करती हूँ, उन्होंने ये रिकमेंड करा था कि ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, ये काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइज़र है, गुड फॉर कॉम्बिनेशन स्किन टाइप. जैसे समर्स में ना मेरी स्किन बड़ा अजीब रिएक्ट करती है, ना नॉर्मल रहती है, ना ड्राई रहती है, ना पूरी ऑयली रहती है. सो दिस वन आई थिंक विल बी रियली गुड मॉइस्चराइज़र फॉर दैट टाइम. तो अभी आई एम गोना सेव इट बिकॉज मेरे को पता है कि मैंने विंटर्स के लिए और अभी के टाइम के लिए मैंने एक और मॉइस्चराइज़र मंगाया है विच आई विल शो यू. बट डॉक्टर शेट से मैंने ये चार प्रोडक्ट मंगाए हैं, 3 सनस्क्रीन और एक ये सेरामाइड एंड विटामिन सी ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर. नाउ लेट्स मूव टू द बिगेस्ट बॉक्स ऑफ दिस हॉल, जल्दी जल्दी करते हैं. इसमें ना इतने प्रोडक्ट नहीं है जितने ये लोग पैकेजिंग इतनी बड़ी दे देते हैं. आई थिंक कोई भी 5,000 के ऊपर वाला ऑर्डर होता है ना, उसमें इतनी बड़ी पैकेजिंग दे देते हैं. लेट्स अनबॉक्स. तो मैंने सबसे पहले मंगाया है बायोटीक का मॉइस्चराइजर. इसके बारे में मैं पहले बात कर चुकी हूँ, मैंने दो मंगाए हैं. दिस इज़ दी बायोटीक मॉर्निंग नेक्टर नरिश एंड हाइड्रेट मॉइस्चराइजर. ये मेरे मॉम एंड डैड यूज़ करते हैं रेगुलरली, डे नाइट. इसके अलावा उनको और कोई मॉइस्चराइजर नहीं पसंद है, तो मैंने रीस्टॉक करा है क्योंकि ये काफ़ी अच्छे सेल पे मिल रहा था, तो मैंने दो मंगा लिए. Now, next up is again a restock. This one is the Mom's Coco wipes. I think ये baby wipes हैं. Yes, these are the baby water wipes. But जैसे इसमें लिखा है ना water wipes, इसमें 99% water है, इसलिए मेरे को ये बहुत पसंद है. मेकअप रिमूव करना है या कुछ भी, अगर मेरे को ब्रश भी क्लीन करना है इंस्टेंट वाला, तो उसके लिए this one is really good. पैकेजिंग इसकी बहुत अच्छी लगती है मेरे को. जो एक और वाइप मेरे को जो बहुत पसंद है, डैट वन इज़ दी लिटिल्स वाला वाइप, मैंने वो भी मंगाया है. दीज आर दी लिटिल्स बेबी वाइप्स, बट मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे को लिटिल्स ज़्यादा अच्छी आपकी मॉम्स को भी लगती है. बट वॉट एवर यू वाइज प्रेफर, आप इनके छोटे छोटे पैक दोनों मंगा के ट्राई करके देख सकते हो, मेरे को मॉम्स को ज़्यादा अच्छी लगती है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बॉक्स, वी हैव विटामिन सी सीरम फ्रॉम प्लम. दिस वन इज़ दी प्लम मांडरिन एंड विटामिन सी 15% सीरम, ग्लो बूस्ट, फ्रेग्रेंस फ्री, अगेन अ रीपर्चेज. ये मैंने सीरम बहुत बहुत पहले यूज़ करा था, तब मेरे को ये अच्छा लगा था, आई रिमेंबर. और मेरे को याद है उस टाइम में मेरे को इसकी कोलैबोरेशन मिली थी, इसलिए मैंने वो प्रोडक्ट यूज़ करके ख़त्म करा था. मेरे पे डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन जो है ना उस पर काफ़ी अच्छा काम करा था, इसलिए तो मैंने, मेरे को विटामिन सी लेना था, मैंने कहा विदाउट अ सेकेंड थॉट जो मैंने प्रोडक्ट ट्राई करा मैं वही ले लेती हूँ, प्लम का विटामिन सी. अप नेक्स्ट वी हैव अ प्लम का क्लेंजिंग बाम जो मैं ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ. मैं आपको दिखा दूँ, मतलब ये रीस्टॉक है और ये है पुराना वाला. मैं इसको आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितना यूज़ करा. ये मेरी सेकेंड बॉटल है जो मैंने मंगाया है, वो थर्ड है. मेरे को ये क्लेंजिंग बाम बहुत बहुत बढ़िया लगता है. आई हैव यूज्ड दिस कम्प्लीटली, इसलिए मेरे को रीस्टॉक करना पड़ा. काफ़ी अच्छा क्लेंजिंग बाम है, कम्स विद द स्पैचुला निकालने के लिए. बट मैं एक बात बोलूँगी, अगर प्लम इसको कैसे भी करके कन्वर्ट कर दे क्लेंजिंग ऑयल में, आई थिंक डैट विल बी अ हिट. काफ़ी बढ़िया चलेगा वो प्रोडक्ट, स्पेशली इसी प्रोडक्ट को अगर वो कन्वर्ट करके ऑयल में कर दें, भाई साहब मज़ा आ जाएगा, काफ़ी कन्वीनियंट हो जाएगा. अभी नहीं बोलूँगी कि बहुत इनकन्वीनियंट है, बट वो वाला काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, दिस इज द सेटाफिल डैम, दैट इज़ डेली एडवांस अल्ट्रा हाइड्रेटिंग लोशन फॉर कंटिन्यूसली ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन. इसका मैंने छोटा बॉटल इसलिए मंगाया है बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया ना, मैंने एक और मॉइस्चराइजर मंगाया है फ्रॉम डॉक्टर शेथ, तो वो वाला मैंने समर्स के लिए मंगाया है. इसका छोटा इसलिए मंगाया है क्योंकि विंटर्स ऑलरेडी जा रही हैं, मेरे को सिर्फ ये वाला मॉइस्चराइजर आपका फेब्रवरी और मार्च में यूज़ करके ख़त्म करना है, डैट्स इट. आई डोंट वॉन्ट टू बाई लाइक अ बिगर बॉटल ऑफ दिस, क्योंकि वो फिर पड़ा रह जाता. उसके बाद मैंने मंगाया है, मैंने एक और सीरम मंगाया है क्या? नो, दिस इज समथिंग दैट दे हैव गिवन मी. दिस इज दी प्लम ब्राइट स्किन एसेंशियल्स विथ राइस वाटर एंड नाइसिनमाइड ट्रैवल किट. ये एक सेकेंड में खोल के आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या प्रोडक्ट है. इसमें 3 प्रोडक्ट होने चाहिए, दैट इज दी जेल क्रीम, अ सनस्क्रीन एंड अ सीरम. सो लेट्स ओपन इट, क्योंकि ये मेरे को पता नहीं था कि ये आ रहा है. बट थैंक यू सो मच प्लम फॉर सेंडिंग दिस. दिस इज़ दी प्लम सनस्क्रीन एंड दिस इज़ दी प्लम राइस वाटर एंड नाइसिनमाइड जेल क्रीम. बट मैंने इस प्रोडक्ट की बहुत तारीफ सुनी है जो मैं आपको अगला बता रही हूँ. दिस इज़ दी नाइसिनमाइड सीरम फ्रॉम प्लम, राइस एंड नाइसिनमाइड सीरम. इसकी मैंने बहुत तारीफ सुनी है, सो वाओ, मेरे पास एक एक्स्ट्रा सीरम हो गया यूज़ करने के लिए, कुछ दिन तो चलेगा ही. थैंक यू सो मच प्लम फॉर सेंडिंग दिस. उसके बाद मैंने ऑर्डर करा है L'Oreal की ग्लाइकोलिक ब्राइट 3% ग्लाइकोलिक प्लस विटामिन सी जी प्लस नाइसिनमाइड डार्क सर्कल आई सीरम. साफ साफ इसमें लिखा हुआ है कि ये डार्क सर्कल्स में काम करेगी,
मिलेगी और इसमें लिखा था विजिबल इन 2 वीक्स, आई थिंक मैं 3 वीक्स बोलने जा रही थी, बट 49% डार्क सर्कल्स इन 2 वीक्स, -49% डार्क सर्कल्स इन 2 वीक्स. तो ये वाला प्रोडक्ट मैं यूज़ करके आपको बताऊंगी कि डार्क सर्कल्स में काम करा है कि नहीं करा. ये वाला प्रोडक्ट अभी मत खरीदना, जब मैं यूज़ करूँगी मैं आपको बताऊँगी कि ये काम करा है मेरे डार्क सर्कल्स में, तभी खरीदना. इसलिए मैं कहती हूँ मेरे को यूट्यूब में सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो प्रोडक्ट मेरे काम करता है ना, जो प्रोडक्ट मेरे को अच्छा लगा है, मैं उसका शॉर्ट में तुरंत रिव्यू डाल देती हूँ. ठीक है, उसके बाद है ग्रो ब्राउ, ये खरीद सकते हो तुरंत. दिस इज दी बेलावीट ऑर्गेनिक ग्रो ब्राउ आईब्रो एंड आईलैश ग्रोथ ऑयल. इस प्रोडक्ट की वजह से आई हैव स्टॉप्ड यूजिंग फॉल्स लैशेस. इतना बढ़िया प्रोडक्ट है ये, एक तो बिल्कुल भी आंखों में इरिटेट नहीं करता, मेरी आंखों में बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करा है. उसके बाद आईब्रो और आईलैशेस, आई एम टेलिंग यू, अगर आप इसकी हाफ भी ट्यूब यूज कर लो ना, आपको रिजल्ट्स आराम से देखने को मिल जाएंगे और दूसरे लोगों को भी देखने को मिल जाएंगे. तो ये मेरे को मस्कारा फ्रॉम बेलावीट ऑर्गेनिक बहुत बढ़िया लगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, आई हैव, आई डोंट नो व्हाट डू आई हैव, लेट मी जस्ट ओपन इट. Oh, I have the setting spray. This one is the Mars Seal the Deal setting spray. Natural finish, long lasting, budge proof makeup fixer designed in India. तो ये वाला सेटिंग स्प्रे की भी थोड़ी बहुत तारीफ चल रही थी, मैंने कहा इसको ट्राई करते हैं. मेरे को अफोर्डेबल सेटिंग स्प्रे ज़्यादा बेटर लगते हैं. Why? I'll tell you. अगर मैं ब्राइड के लिए यूज़ कर रही हूँ, I'll always prefer Urban Decay All Nighter Spray. I'll prefer Forever 52 Setting Spray. But अगर जब मैं खुद के लिए यूज, जैसे मैंने अभी ये मेकअप लुक करा है, इस वीडियो के बाद मैं ये उतार दूंगी, तो मेरे को वेस्ट लगता है कि मैं महंगे महंगे सेटिंग स्प्रे लगा रही हूँ. मैक का भी लगाती हूँ, मेरे को वेस्ट लगता है. तो इसके लिए मैंने अफोर्डेबल वाला एक ट्राई करने के लिए मंगाया है. दिस वन इज द मार्स सील द डील फिक्सर. अप नेक्स्ट वी हैव मिनिमलिस्ट का मेलिक बॉन्ड रिपेयर कॉम्प्लेक्स 0.5% हेयर सीरम. ये मैंने क्यों खरीदा, आई वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई श्रेया जैन. उनकी वीडियो में शी टॉक्ड अबाउट दिस प्रोडक्ट एंड आई वॉज लाइक, अगर श्रेया जैन ने तारीफ करी है तो मैं ट्राई कर लेती हूँ. ये वाला प्रोडक्ट मैं ट्राई करूँगी. ये बॉन्ड, जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, बॉन्ड रिपेयर, तो जो आपके नीचे के बाल हैं उनके लिए ये काफ़ी अच्छा है. आपको ये आई थिंक क्लीन बालों में लगाना है, अगले दिन आपको वॉश भी करना है, फ्रॉम नॉट रॉन्ग. येस, अप्लाई ऑन ड्राई कोम्ब हेयर इवेंटली फ्रॉम रूट टू टिप. डू नॉट अप्लाई ऑन स्कैल्प, लीव फॉर 1 आवर ओनली एंड देन शैम्पू योर हेयर. तो काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है, शैम्पू के पहले लगाना है, वैसे भी एंड्स बड़े ड्राई रहते हैं, तो शायद कुछ अच्छा ही काम करेगा. एंड और ये फ्रीजी हेयर के लिए भी लोगों ने कहा काम करता है. सो नेक्स्ट अप, आई हैव 2 ब्यूटी ब्लेंडर्स. वन इज फ्रॉम ब्रॉश. इसका मैं एक वाइट कलर का स्पंज आता है, वो मैं ऑलरेडी यूज़ कर रही थी, और मैंने आई थिंक उसी वीडियो में कहा था कि अगर इसका अच्छा पिंक कलर आ जाए या ब्लैक कलर आ जाए तो मज़ा ही आ जाएगा. और मैंने अचानक से प्रॉश की वेबसाइट खोली, उसमें वेबसाइट कह रही हूँ प्रॉश को, नायका में सर्च करा, देखा कि ये ब्यूटी ब्लेंडर आया हुआ है. पिंक कलर का ब्यूटी ब्लेंडर है, जैसा मेरे को चाहिए था, काफ़ी बढ़िया ब्यूटी ब्लेंडर है. देन आई हैव दी एल्फ का स्पंज, अगेन अ रीस्टॉक. दोनों रीस्टॉक है, बस ये डिफरेंट कलर में है. ये तो उसी कलर में आपका रीस्टॉक है, काफ़ी काफ़ी बढ़िया स्पंज है एल्फ का, आप चेकआउट कर सकते हो. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू गाइस एंजॉयड वॉचिंग दिस मेगा मेकअप हॉल. प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन अगर आपको कोई प्रोडक्ट का स्पेसिफिक रिव्यू चाहिए, या आप कुछ प्रोडक्ट खरीदने का सोच रहे हो और आप कन्फ्यूज़ हो कि लूँ कि ना लूँ, तो उस प्रोडक्ट का नाम लिखो, मैं आपको बताती हूँ कि वो कैसा है, या कोई उससे अच्छा मैं ऑल्टरनेट बता दूँगा आपको. एनीवे, कोई प्रोडक्ट जो मेरे को पसंद आया नहीं आया वो आपको शॉर्ट्स में पता चलेगा. तो गाइज प्लीज़ फॉर दैट यू हैव टू एंड हैव टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय, हैप्पी शॉपिंग. बट थोड़ा सोच के खरीदना, एकदम भर मत लेना चीज़ों को, ठीक है. प्रोडक्ट खत्म करो उसके बाद लो, प्रोडक्ट खत्म करो उसके बाद लो, ठीक है. ओके, बाय, लव यू.